बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर अंशु। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019 की। पहला दिन कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा। सब लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपका 2019 से भी बहुत अच्छा ये 2019 जाए। और मैं बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ना मैंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मेरे किसी रिलेशन में हैं, उनकी डेथ हो गई थी 31 दिसंबर को। तो इसी वजह से ना मैंने कोई व्लॉग बनाया है 2-4 दिन से, ना मैंने कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने के लिए कुछ किया है। और बस सिंपल से रहे हैं। और वैसे भी आज मैं अपने मामा के घर गई थी, और मेरी मौसी, आपने शायद, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जब से नए जुड़े मेरे साथ, अगर किसी ने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मेरी मौसी हैं, सेजल और साहिल, ये सब लोग, मेरी मौसी के बच्चे भी आ रहे हैं। वो सुबह सुबह आ गए थे, उन्होंने एकदम से सरप्राइज दे दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका ये था कि आएंगे, लेकिन ये नहीं था। क्या उनका ये था कि वो लोग आएंगे, लेकिन वो एकदम से, मैं सो के भी नहीं उठी थी सुबह, और वो लोग मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे न्यू ईयर के पहले दिन ही मुझे सरप्राइज दे दिया, क्योंकि वो लोग शाम तक बोल रहे थे कि 1-2 दिन में आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। तो 1-2 दिन करते करते मुझे लगा कि शायद 2 या 3 तारीख के आसपास आएंगे, लेकिन वो लोग सुबह सुबह आ गए थे, और इवन 1 जनवरी को। और फिर मेरे बीच में थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस यही है। फिर मतलब इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा खिचखिच हो गई थी ना, सब चीज़ें, तबीयत ख़राब। फिर मम्मी बाहर थी, वहाँ पे गई थी, जिन्हें मैंने बताया था आपकी डेथ हो गई थी। वो क्या बोलते हैं ना, कुछ खास लोग उनमें से थे वो, तो मूड भी नहीं था। और हम सब लोग अभी सुबह अपने मामा के गए थे, और हमने वहाँ लोगों ने न्यू ईयर ठीक मनाया, बहुत मन लगा वहाँ पे। और अभी हम थोड़ी देर पहले आए हैं, घर पर आए हैं, बैठे हुए हैं। और जो आपने स्टार्टिंग में लड़की देखी थी, हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी, वो मेरी मौसी की लड़की है सेजल। वो यहीं पर रहेंगे 7-8 दिन, वो लोग यहीं हैं। क्या शोर रहे हैं ये लोग सुबह से मुझे? दोनों आप ये है सेजल। हेलो, सॉरी दुबिया, शर्मा गया आने के लिए, मना करके नहीं, इतना शर्माएगा? हो भगवान, कितना ज्यादा शर्मा रहा है, भाग गया। शर्मीले लोग, मेरा भाई है ना, बिल्कुल मुझ पे नहीं गया। वो बता, उसे बोल रहा है कैमरे से पीछे, चुप रहे, मुझे नहीं। वाह शोर रहे, उसका नाम शोर रहे है। एक और शाइल, वो मैं छोड़ गए, मतलब इन लोगों को छोड़ के वो चला गया है। और अब मैं और सागर और हम लोग थोड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं। उधर से उधर डॉक्टर के भी होते आऊंगी मैं। क्या हुआ? हाय तो बोल दे, शोर रहे हैं इन लोगों ने? वैसे तुम देख लिए, हाय तो बोल दो। उसको हाय बोलने में भी शर्म आ रही है। हाय बोलने में भी शर्म आई तो अच्छा। चलो ये तो बता दो, न्यू ईयर कैसा रहा आपका? सही रहा। सही रहा? इतने दुख भरे अंदाज में बोल रहा है, सही रहा? यहाँ पे आ जा। सब लोग, मतलब वो सब लोग कैमरे से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज मैं बैक कैमरा कर दूँ। मैं अब व्लॉगिंग कर रही हूँ, वो वहां साइड में गंदे गंदे मुंह बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैं बोला अगर मैं बैक कैमरा कर दूँ तो चुप हो जाएगा एकदम से। तो चलो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, थोड़ा सा घूम लें, कुछ खरीदें,
लेट्स हैव सम पिज़्ज़ा। कुछ खा पी के आ जाए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और सिजू कौन सी क्लास में है? 11th? 11th। 11th क्लास में। अब मौसी भी हैं लेकिन वो ऊपर हैं, और एक शोर है जो बिल्कुल इतना ज्यादा शर्मा रहा है कि वो इतना खतरनाक डांस कर रहा है ना, बहुत ज्यादा। फ्लॉस कहते हैं, क्या फ्लॉस कहते हैं, फ्लॉस फ्लोस? कहते हैं। अच्छा ओके, एक बार दिखा तो दो। ये मेरी पूरी वीडियो देखता है लेकिन कैमरे के आने के सामने से ऐसा शर्मा रहा है क्यों? लग गया। छह का टाइम, और वही हमारे शोर पागलपन डांस कर रहे हैं हमारे सामने। मतलब बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट, वो हम बातें करते रहते हैं आप लोगों से, वो हमारे सामने देखा कैसे दुबक रहा, वो हम लोग आप लोगों से बातें करते रहे। यार शोर, एक एक स्माइल तो पास कर दो। हाय बोलते, हाय हाय। मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमेडी करता है लेकिन वीडियो में नौटंकी बाज। नौटंकी मतलब बोलते हैं बहन भाइयों में लड़ाई तो होती रहती है। तो हम लोग आ गए, हम लोगों ने पिज्जा खा के, और बताया हम छोरे को नहीं लेके गए थे।
क्योंकि हम लोग बाइक पे गए थे, ठीक है, बाइक पे हम तीन ही आ गए, वो फिर शोर है कहाँ जाता। अब फिर सागर ने बोल दिया कि चार चार को मैं बाइक पे नहीं लेके छुप जाएंगे, छुप के गए हम पता है छुप छुप के गए थे कि शोर नहाने जाए और हम धीरे धीरे निकले। हम एक पहले एक सागर निकला धीरे से, फिर सेजल निकली, फिर एंड में मैं निकली। अच्छा क्या कर रहा, शोर फिर तो रोया हमारे जाने के बाद, बोलना उसको तो बेचारे को ये लग रहा था हम डॉक्टर के पास गए हम। बोलना रोया था ना? उसे पता भी नहीं चला और हमने उसको वीडियो पता नहीं बना क्या लिया। अब मुझे डरा रहा है। हाँ तो पता है मैं क्या, बहुत टाइम से हमारे सामने खड़ा होगा, डांस की पोज कर रहा है लड़का, कहीं कुछ कर रहा है। मैंने फ्रंट कैमरा बंद करके बैक कैमरे से दिखा दिया आप लोगों को कि शोर ने क्या कर रहा है। ऐसे देख लेना, साइड में खड़ा होकर देखता रहेगा कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं कैमरा में या कुछ भी है, जहाँ चोट ना लग जाए। शोर तो वहीं लग जाए जहाँ कैमरा इसकी साइड गया वहां पर ये शर्मीला बन गया, और जैसे ही इसके साइड से हटा वो इसकी पागलपन शुरू। नहीं होता है, और मुझे अब मुझे बनानी है चाय, क्योंकि चाय पीने का मन है ना। चाय पिएगा? चाय पिएगा? चाय पियोगे? हाँ चाय तो मैं में सबसे आगे। चलो तो मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करी, ठीक है ना? अब मैं चाय बना रही हूँ। ओके, हम परेशान नहीं करेंगे तुमको, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब चाय बनने में कितना टाइम, मतलब चाय बनने में कितना टाइम लगा मुझे? मुझे चाय बनने में मिनिमम 1-2 घंटा लग गया, क्योंकि नीचे बस उसी चीज में इधर उधर इधर उधर मुझे काफी टाइम लगा। और ये है मेरी मौसी, हाय हाय। और उन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, मम्मी, क्योंकि मौसी जब भी आते हैं मौसी को ऊपर वाला रूम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मौसी ज्यादातर ऊपर वाले रूम में ही रहती है। और ये है मौसी के 2 क्यूट क्यूट पपी। ओए स्कूबी, स्कूबी, वो दोनों रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि अब 7:30-8 का टाइम हो रहा है, तो इसी वजह से दोनों लोग अपने कपड़ों पे बैठ चुके हैं, वो बात करने के कोई मूड में नहीं है। हेलो इनमें इस बात की लड़ाई है, वो इसके कपड़ों पे बैठ गई है और वो उठ नहीं रही वहां से, और ये नीचे बैठा है। जब तक वो अपने बिस्तर पे नहीं बैठेगा, जब तक वो ब्लैक वाली उठ के वहां ना चली जाए, तो वो नीचे बैठा है। शरीफ है ये, वो नालायक है, वो वहीं पे बैठी रहेगी। देखो कितने रिलैक्स होके इसके कपड़ों पे बैठी है, अपने कपड़ों पे जाएगी नहीं, वहां बैठी रहेगी, खुश है पूरी। तो कपड़े जो चेंज कर दो इनके, अपने भी बहना जा जिसे भी बिछा रखा जाए, अब उससे इकट्ठा कर दिया है कि ना बैठे उस पर। तो इनकी आपस में इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, तो ये लड़की नालायक है, लड़का सीधा है, जबकि लड़कियां सीधी होती हैं, लड़के नालायक होते हैं। लेकिन इनमें उल्टा है, लड़का सीधा है, बेचारा नीचे बैठा है इतनी ठंड में, और वो उसके कपड़ों पे मजे से आराम से रिलैक्स कर रही है। तो मैं मिलूंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग शायद बहुत लंबा हो गया। आई नहीं मम्मी तन, तो देख कितनी जल्दी भाग गया आई। तो मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। चाय कैसी बन रही है? बहुत बढ़िया। सच्ची बताओ, कभी कैमरा बंद होने के बाद तो मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।